मेरे प्यारे प्रदेशवासियों जैसा आप सब जानते हैं कि हाल ही में चुनाव हुए असेंबली के हम सभी को विश्वास था कि इस बार सरकार रिपीट होगी आम जनता में भी ये भावना थी क्योंकि जो काम हुए थे योजनाएं बनी थी शिक्षा में स्वास्थ्य में सोशल सिक्योरिटी के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसके बारे में कोई योजना नहीं बनी हो पेंशन तक भी और जो हम लोगों ने महंगाई राहत सिवे चलाए थे जिसमें किसानों को भी और उपभोक्ताओं को छूट दी थी बिजली के अंदर भी हर क्षेत्र में लोगों को राहत मिली महंगाई के दौर के अंदर बेरोजगारी के अंदर जितनी नौकरी हमने लगाई है देश में कहीं नहीं लगी थी तीन लाख से ज़्यादा नौकरी हर विधायक को मैंने कह रखा था तुम मांगते मांग थक जाओगे मैं देते देते नहीं थकूंगा और यही भावना रही हमारी इतनी शानदार योजना ऐसी बनी कि पूरे देश भर के अंदर राजस्थान प्रदेश खुद आजादी के बाद में पहली बार चर्चा में आया कई प्रदेशों में हमारी योजनाओं को अपनाया जा रहा है इस माहौल में चुनाव हुए थे पर अनफॉर्चुनेटली जो चुनाव कैंपेन में हमारे ऊपर केंद्रीय नेताओं ने जो झूठे आरोप लगाए प्रधानमंत्री जी तक ने कह दिया कि हिंदुओं को तो मिले पाँच लाख और मुसलमानों को मिल गए पचास लाख जुमला बन गया झूठा जबकि जितना हमने ध्यान रखा हत्याकांड हुआ था कने लाल उसके अंदर दो घंटे में पकड़ लिए मुल्जी हम लोगों ने दो बच्चों को नौकरी दे दी पचास लाख रुपये दे दिए और पहले ही ने केस ले लिया जो कुछ नहीं कर पाए हमारे पास केस होता अभी तक उनको फांसी की सजा हो जाती तो दुर्भाग्य थे जो झूठे प्रचार किए गए रेप बहुत ज़्यादा हो रहे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की इतनी कुछ नहीं है विकास ठप हो गया है तो झूठे आरोपों के कारण से मैं समझता हूँ कि जनता को गुमराह करने में वो कामयाब हुए हमारी सरकार नहीं बन पाई अब दो तीन महीने हो गए सरकार बने हुए अभी तो, तो काम करना शुरू ही नहीं कर पाए हमारी तमाम योजनाओं को बंद करने का काम किया या कमजोर करने का काम किया है राजीव गांधी युवा मित्र तो थे उन तक को नहीं बख्शा गया अगर राजीव गांधी के नाम से एतराज थे नाम बदल देते पर कम से कम उनके काम को देखते किस प्रकार वो सरकारी योजनाओं को घर घर तक तो पहुंचा रहे थे ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे महीने हो गए राशन की दुकान वालों को कमीशन नहीं मिल रहा है अनेकों उदाहरण है जिससे कि ये जाहिर होता है कि सरकार काम नहीं कर पा रही इस माहौल में हम चल रहे हैं चुनाव आ गए पार्लियामेंट के अंदर और जो फीडबैक आ रहा हमारे पास में गांव-गांव से लोग याद कर रहे हैं हमारी सरकार की योजनाओं को हमारी गवर्नेंस को याद कर रहे हैं माहौल बन रहा है कि हम चुनाव जीत सकते हैं कई जगह पर और इतिहास है कि पच्चीस एम की जीते थे दो बार आप बता दीजिए कि पच्चीस एम ने कोई आवाज़ उठाई क्या हमारे बारे में सरकार के बारे में सरकार की योजनाओं के बारे में कोई इमदाद क्यों लोगों ने केंद्र से ईआरसीपी तक को गुमराह किया गया प्रधानमंत्री का वादा तक पूरा नहीं किया गया तब भी ये कुछ नहीं कर पाए इस हालातों में चुनाव हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर मैं मार्मिक अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान में हम चुनाव जरूर हारे हैं पर आपको जान के खुशी होगी कि प्रसेंडेंट वोट जो हैं वो कम नहीं हुए हैं बल्कि बड़े हैं हमारे इस बात का प्रतीक है कि जनता ने विश्वास प्रकट किया चुनाव में सरकार हमारी नहीं बनी है तो वोटों के अंदर हम लोग सोलह लाख वोट ज़्यादा लेके आए हैं तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में ये जो माहौल बन रहा है इस बार अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम अगर, अगर अधिकांश जीता जीत पाएंगे पार्लियामेंट के अंदर भी तो थोड़ा सबक मिलेगा केंद्र सरकार को भी ज़्यादा ध्यान देगी राजस्थान सरकार पर जो भी सरकार बनेगी और राजस्थान का जो हर क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वो बेमिसाल है आज पूरा देश जानता इस बात को सरकार हमने चलाई पाँच साल तक कई तकलीफ आई थी हमारे सामने सरकार को गिराने का षड़यंत्र किया गया बीजेपी द्वारा उसका भी मुकाबला हमने किया कोरोना में शानदार काम किया जिसकी तारीफ पूरे देश में नहीं दुनिया में हुई हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने तारीफ करी भीलवाड़ा मॉडल की तो राजस्थान ने कोई काम कम नहीं किए हैं हर क्षेत्र में काम किए गुड गवर्नेंस दी है लोग याद करते हैं मैं मार्मिक अपील करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से मतदाताओं से इस बार आप सब एकजुट होकर के कांग्रेस के उम्मीदवारों को आप कामयाब करें उनको आशीर्वाद दें वो जीत के जाएंगे तो राजस्थान की आवाज को बुलंद करेंगे ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ राजस्थान की समस्याएं हैं चाहे इंटर स्टेट के पानी की बात हो ईआरसीपी की बात हो बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी बनी हुई है हमारे वक्त में बनी है उनकी बात हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी योजनाओं को कमजोर कर रहे हैं बंद कर रहे हैं ओ को लागू करने का भी आश्वासन दे नहीं पा रहे ये लोग मैं समझता हूँ तमाम योजनाएं हमारी तमाम हमारी घोषणाओं को पूरा करवाएंगे वो सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेंगे जो उत्पीड़ी तो पर मैं आपसे अपील करना चाहूँगा इस बार आप कैंपेन प्रारंभ हो चुका है आने वाले वक्त में और बड़े रूप में कैंपेन होगा चुनाव का पार्लियामेंट के लिए कि झूठे आरोप भी लगाए जाएंगे गुमराह किया जाएगा आपसे मेरी अपील है मार्मिक अपील है कृपा करके आप इस बार कांग्रेस के उम्मीदवारों का आशीर्वाद दें उनको कामयाब करें और मैं आपसे वादा करता हूं गारंटी देता हूं आपको कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सब मिलकर के नेता प्रतिपक्ष असेंबली के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी असेंबली के बाहर हम सब मिलकर के गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की बन गई हो इतना दबाव बनाएंगे कि आपकी तमाम योजनाओं को लागू करवाएंगे बेनिफिशरी को लाभ मिलता रहे ये सुनिश्चित करेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट को हम लोग केंद्र के अंदर भी दबाव बना के हम लोग कामयाब होंगे ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यही बात कहता हूँ मैं आपको पुनः अपील करूँगा आपको कि कृपा करके आप इस बार कोई कमी नहीं रखें कांग्रेस को कामयाब करें यही बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद जय हिंद